हरिद्वार में पंचायत चुनाव के नतीजे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने क्या विपक्ष की पोल खोल दी है और क्या विपक्ष को पूरी तरीके से लाचार बना दिया है। बीजेपी ने जिस तरीके से वहां जीत हासिल की है, चाहे वो किसी भी तरीके से की हो, पहले चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियों के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए और जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद भी कई जिला पंचायत के सदस्य और बीडीसी मेंबर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस रणनीति के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने ये तो साबित कर दिया कि चुनावी कौशल में उसके आसपास फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति कहीं दिखाई भी नहीं दी। हरिद्वार में जो पंचायतों के चुनाव थे, पहली बार लोगों को ये महसूस हुआ होगा कि कैसे करके, चाहे किसी भी दल के क्यों नहीं थे, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुए, अच्छे से चुनाव के रिजल्ट आए और भारतीय जनता पार्टी पहले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हो गई, जिसके केवल 3 सदस्य होते थे, आज वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हो गई। और उसके बाद जब हम बैठे हुए हैं तो इसमें बोर्ड को तो हमने बना ही दिया है, उससे भी ज़्यादा आगे। और जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी ये रुकने का नाम कहाँ रुकेगा हमको भी मालूम नहीं है, 27, 28, 30 तो हो ही गए हैं, हमको तो 22, 24, 23 ही चाहिए थे। तो लेकिन ये लगातार बढ़ता जा रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने पूरी तरीके से प्लानिंग की और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी किया, यानी उसे धरातल पर भी उतारा और पहली बार हरिद्वार जिला पंचायत में अपना बोर्ड बनाया। ये बीजेपी की एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि किसी भी तरीके से अपनी जीत दर्ज की जाए, और यह सबसे बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए, क्योंकि इस पंचायत चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पूरी तरीके से नदारद दिखी। नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते नजर आए, कोई झगड़ता रहा, कोई टिकट के लिए, कोई अपने बच्चों के टिकट के लिए, तो कोई अपने रिश्तेदारों के टिकट के लिए, और बीजेपी ने खेल कर दिया। और इस संकट के साथ ही बीजेपी ने एक ऐलान 2024 के लिए भी कर दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने काम किए हैं, इस गवर्नमेंट ने काम किए हैं, भारत सरकार ने काम किए हैं, 5 साल में 6 साल में हरिद्वार में जितना काम हुआ वो 50 साल में नहीं हो सका। बड़े बड़े काम ही नहीं, हजारों करोड़ के बड़े सड़क और पुल और इनकी मेडिकल कॉलेज को तो एक तरफ कर दे, आम आदमी को जो अंतिम छोर पर बैठा रहने वाला मेरी माँ और बहन है, फ्री गैस कनेक्शन हो सर्वाधिक मिले हैं, फ्री विद्युत कनेक्शन हो सर्वाधिक मिले हैं। और बीजेपी अपने काम गिनाकर वोट की उम्मीद कर रही है, लेकिन उसकी चुनावी रणनीति के आगे क्या कांग्रेस कहीं टिक पाएगी, और खास तौर पर भविष्य में जबकि लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस दरमियान क्या कांग्रेस एकजुट रह पाएगी। मौजूदा हालात से ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कांग्रेस में जिस स्तर तक बिखराव जा चुका है, अभी नहीं संभले तो संभवतः भविष्य में संभलना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। और इन हालात में कांग्रेस को अभी भी सीखने की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 की जीत भी अभी पक्की कर ली हो 5 की 5 सीटों पर।